आधी रात को आखिरकार क्यों आई है सुंबुल को फहमान की याद। प्रियंका संग सुंबुल ने फहमान का ऐसा कौन सा सीक्रेट शेयर किया जिसे सुनकर प्रियंका भी रह गई दंग, जिसके बाद प्रियंका भी अपना एक सीक्रेट शेयर करती नजर आई। क्या है पूरी खबर और कल लाइव फीड में सुंबुल और प्रियंका अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में आखिर ऐसी क्या बात कर रहे थे, हम आपको बताएंगे टीवी धमाका पर। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। आप जानते ही हैं कि हाल ही में फहमान जो है बिग बॉस के घर के अंदर एंटर हुए थे। ऐसे में भले ही फहमान चला गया हो लेकिन सुंबुल को फहमान की लगातार याद सता रही है। प्रियंका संग बैठकर वो बताती हुई नजर आई कि फहमान के जन्मदिन पर उसने क्या क्या तोहफे दिए और जब सुंबुल का जन्मदिन था तब फहमान उसे क्या क्या तोहफे देता था। जिस तरीके से सुंबुल ये सारी बातें कर रही थी उससे एक बात तो साफ है कि वाकई में वो फहमान को घर के अंदर काफी मिस कर रही है। दरअसल कल जो है शालीन टीना के जन्मदिन की तैयारियां कर रहा था क्योंकि आज टीना का जन्मदिन है। ये सारी चीजें देखकर सुंबुल प्रियंका को बताती हुई नजर आई कि यार मुझे लगता है कि मेरा जन्मदिन जो है थोड़ा जल्दी आ गया। मुझे लगता है कि मेरे जन्मदिन पर हर बार जो है मैं घर के बाहर जब होती हूँ मैं एक नहीं चार चार ड्रेसेस चेंज करती हूँ, इतनी सारी पार्टीज होती हैं। और तुम्हें पता है फहमान के जन्मदिन पर मैंने उसे जो तोहफा दिया था ना, हर कोई उसे सुनकर काफी हंस रहा था, लेकिन सिर्फ फहमान जानता था कि मैंने उसे वो तोहफे क्यों दिए। जिस पर प्रियंका ने कहा कि अच्छा ऐसा तूने क्या दिया था, जिस पर सुंबुल बताती है कि मैंने उसे कारपेट दिया था, चम्मच दिया था, फोक दिया था, तो प्रियंका कहती है लेकिन क्यों ऐसे तोहफे दिए। जिस पर सुंबुल कहती है कि तुझे पता है कि उसके पास कुछ भी नहीं है, वो अकेला रहता है, उसके पास समय भी नहीं होता, तो कभी भी होता है ना सेट पर बोलते यार मेरे पास चम्मच नहीं, मेरे पास ये नहीं, तो जो जो चीज़ें उसने बोली हुई थी मैंने वो सारी चीज़ें दी, मैंने कम से कम नहीं तो उसे 15-20 चीज़ें दी हैं। तो ये बात सुनकर प्रियंका कहती है कि अरे वाह, तो उसने बोला हाँ उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो एक बात तो तय है कि जिस तरीके से सुंबुल और जिस हक से सुंबुल ये सारी बातें कर रही थी उससे तो लगता है कि मानो जो फहमान है वो वाकई में उसकी ज़िंदगी में बहुत ही मायने रखते हैं। आप इस पर क्या कहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताएँ।